हेलो एंड वेलकम बैक टू द गेम ऑन। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। दोस्तों बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की, बात करेंगे बीसीसीआई वर्सेस पीसीबी की और क्या कुछ हो रहा है उन सारी चीजों पर। तो सबसे पहले एक कहावत के साथ यहाँ पर शुरू करेंगे चीजें कि वो आई थिंक कहावत है ना, गधे की या कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। वो बिल्कुल फिट बैठ रही है इस वक्त पर पीसीबी के साथ। अब पीसीबी ने सारी चीजें शुरुआत में कर ली, भारत को धमकी भी दे दी टीम इंडिया को कि अगर टीम इंडिया खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी तो दे विल नॉट ट्रेवल टू इंडिया फॉर द 2026 वर्ल्ड कप। एंड इसके बाद क्या था, एसीसी का एक और बयान आता है कि 26 तो छोड़िए जनाब, आपको 25 में ही आना पड़ेगा टीम इंडिया एशिया कप खेलने। उसके बाद सारी चीजें होने लगती है शॉर्ट आउट धीरे धीरे एंड पाकिस्तान समझ जाता है कि भैया इससे बात नहीं बनने वाली है, हमको हाइब्रिड मॉडल में एट द एंड कराना ही पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि टीम इंडिया ट्रेवल नहीं करेगी पाकिस्तान। अब चाहे लाहौर में मैच रखो चाहे कजाकिस्तान में रखो, टीम इंडिया ट्रेवल नहीं करने वाली और ये सीधे सॉर्ट आउट लगभग हो जाती है। बट अब पाकिस्तानी मीडिया फिर से दावा कर रहा है कि भैया हम तो अब ये चाह रहे हैं साफ तौर पर कि टीम इंडिया ही लाहौर ही आए और हम ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि हम हाइब्रिड मॉडल में खेलें। अब वो इस वजह से कि जैशा आईसीसी चेयरमैन बन चुके हैं तो उन्होंने कहा कि जैशा जो बीसीसीआई का प्रेसिडेंट है ना, तो उस टाइम वो बीसीसीआई के लिए बात कर रहे थे, लेकिन अब बिकॉज वो आईसीसी के चेयरमैन है तो हम सीधे जैशा के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि एज एन आईसीसी चेयरपर्सन आप एक न्यूट्रल फैसला लो और आप हमारे हक में फैसला दो। भाई मतलब क्या तुक लगा रहे हो। ठीक है जयशाह वहां पर चले गए, लेकिन वो वही जयशाह है जो यहाँ पर बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे। तो अब क्या मतलब, जब वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे तब उनको पता था कि जो सारी चीजें हैं टीम इंडिया की सुविधाएं वगैरह और जो सुरक्षा इंतजाम है वो पाकिस्तान में बेहतर नहीं है। तो अब क्या वो जब आईसीसी के चेयरमैन बन गए तो अब बेहतर हो जाएंगे। हालांकि एक जो इसका जो पहलू है वो आप ये देख सकते हो कि जैशा के अंदर पूरी पावर है, आईसीसी के चेयरमैन है वो, तो वो ये कर सकते हैं कि पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और टीम इंडिया को कहें कि आप पाकिस्तान ट्रेवल करो, आप खेलो, जो सारी सुविधाएं सुरक्षा है वो मैं देख रहा हूँ। लेकिन क्या जैशा ये करेंगे, आई डोंट थिंक ऐसा करेंगे वो। तो ये सारी की सारी चीजें अपने आप में है कि पाकिस्तानी मीडिया हर दूसरे चौथे दिन अब पता नहीं वो मतलब व्यूज लेने के लिए या चीजों को ज्यादा एक्साइटिंग बनाने के लिए ये बयान लाता है, लेकिन ये लगातार चलता आ रहा है। अब जब सब कुछ एक टाइम पर शांत हो गया था और ऐसा लग रहा था कि हाँ भैया अब हाइब्रिड मॉडल ढूंढने जा रहा है, फिर जैसे जैसे चैंपियंस ट्रॉफी नजदीक आ रही है वो कुछ एक और नया स्टेटमेंट लेकर आते हैं। तो आप बताइए आपको क्या लगता है इन सारी की सारी चीजों पर, ये पीसीबी चाहता क्या है और पाकिस्तानी मीडिया चाहता क्या है, एट द एंड ये क्यों सारी की सारी चीजें फैला रहा है फर्जी।